रियलमी जल्द ही अपनी GT सीरीज में एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन रियलमी GT 5 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और ये एक बहुत ही दमदार स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर पैक फीचर्स मिलेंगे और GT सीरीज जैसे कि हम जानते हैं हमेशा अपनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए जानी जाती है, तो इस बार कंपनी इसमें एक एडवांस लेवल वाला फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लेकर आएगी जो कि 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है और ये नंबर अपने आप में बहुत अमेजिंग है क्योंकि कंपनी ने इससे पहले रियलमी GT 3 सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हमने 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखा था जो कि अभी तक का हाईएस्ट सपोर्ट था, लेकिन 240 जो है ये एक नेक्स्ट लेवल नंबर होने वाला है। हालांकि अभी रियलमी इसको सिर्फ चाइना में लॉन्च करेगा और इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो भी सामने आ चुकी है, तो रियलमी GT 5 को चाइना में 28 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही इस फ़ोन के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो सामने आए हैं। तो सबसे पहले बैटरी की बात करेंगे तो इस फ़ोन में 4600 mAh की बैटरी मिल सकती है और मैंने आपको बताया कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो इस फ़ोन का बहुत दमदार होने वाला है, यानी कि बहुत कम टाइम में ये फ़ोन जल्दी चार्ज होगा, क्विक चार्जिंग मिलेगी, यानी कि उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि एक हमेशा से फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और गेमिंग लवर्स के लिए ये फ़ोन बहुत अमेजिंग होने वाला है। अब आते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस पर, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एक लेटेस्ट चिपसेट है और अभी तक बहुत ही लिमिटेड स्मार्टफोन्स हैं जिनको इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है फ़ोन की बहुत दमदार होने वाली है, हैवी गेमिंग आप बहुत इजीली कर पाएंगे, हैवी ग्राफिक्स वाले जो गेम्स है, साथ में मल्टीटास्किंग यानी कि अगर आप बहुत हैवी एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्टेंट अच्छे से स्ट्रीम करना चाहते हैं तो ये फ़ोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसमें 24 GB तक की रैम मिलेगी, ये एक अच्छा नंबर है, साथ में एक OLED डिस्प्ले मिलेगा इस फ़ोन में, तो OLED डिस्प्ले के साथ हाई रिफ्रेश रेट ये मैंडेटरी है क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन है और हाई रिफ्रेश रेट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डिस्प्ले की परफॉर्मेंस फास्ट होती है, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो ये थे डिस्प्ले फीचर्स, बैटरी फीचर्स, अब आ जाते हैं मेन फीचर्स यानी कि कैमरा। तो हालांकि गेमिंग स्मार्टफोन है तो कंपनी कैमरा पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती है, लेकिन रियलमी अब कैमरा फीचर्स पे बहुत ध्यान देने लगी है, तो इसमें हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है जिसमें 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर होगा और ये एक सोनी का फ्लैगशिप IMX890 सेंसर होगा। तो इसी के साथ अब कंपनी इसका दूसरा एक वेरिएंट जो है वो भी लॉन्च कर सकती है, इसको लेकर बहुत सारे अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे हमने बैटरी फीचर्स की बात की थी तो इसका भी जो मेन अट्रैक्शन होगा वो बैटरी ही होगी, तो इसमें कंपनी 5200 mAh की एक बड़ी बैटरी ऑफर कर सकती है। हालांकि इसका जो फास्ट चार्जिंग साइज़ है वो कम हो सकता है, तो इसमें 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। तो दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं वो अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि एक वेरिएंट में जो बेस वेरिएंट होगा कंपनी का उसमें कम बैटरी साइज़ मिलेगा लेकिन फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है, और इसमें बैटरी साइज़ बड़ा कर दिया लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कम किया है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही पावरफुल फीचर्स के साथ आने वाले हैं। एक अच्छा कैमरा सेटअप मिलेगा, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, दमदार डिस्प्ले है, तो ये एक बिल्कुल एक सॉलिड स्मार्टफोन होगा जो कि हम आमतौर पे रियलमी से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी GT सीरीज़ में एक्चुअल बहुत अमेजिंग फीचर्स जो है वो ऑफर करती है। तो रियलमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को जितने भी इंडिया में फ्लैगशिप फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, OnePlus 11, Xiaomi 13 और OPPO Find X सीरीज़, यानी कि इन सब स्मार्टफोन के साथ कम्पीट करने के लिए रियलमी अपनी GT सीरीज का नया फ़ोन जो है इसको तैयार कर रही है। तो रियलमी GT 5 को लेकर आपके पास कोई और लेटेस्ट अपडेट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।